पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर खुफिया अफराद। नंबर 10, जेम्स कैन, नेटवर्थ $128 मिलियन। 1960 में लाहौर में पैदा होने वाला नाजिम खान बर्तानिया जाके जेम्स कैन बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी ना था। नाजिम खान बचपन में अपनी फैमिली के साथ बर्तानिया शिफ्ट हो गए, जहां ईस्ट लंदन के इलाके में इनके वालिद ने कपड़ों की एक दुकान शुरू की जो कि कुछ खास ना चलती थी। इनके वालिद इन्हें भी अपनी दुकान पर बिठाना चाहते थे, मगर नाजिम खान के इरादे कुछ और थे। वो 16 साल की उम्र में घर से भाग गए और छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। 1987 में उन्होंने अलेक्जेंडर मान के नाम से एक रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की। सन 2002 तक ये कंपनी 30 ममालिक में 140 ऑफिसेज के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। उन्होंने इस कंपनी को मुंह मांगी कीमत पर बेच दिया। दुनिया में लोग इन्हें बर्तानिया के मशहूर टीवी शो ड्रैगन्स डेन की वजह से जानते हैं। ये एक प्रोग्राम है जहां बर्तानिया के 4 सबसे बड़े बिजनेसमैन आके बैठते हैं और लोग इन्हें अपने बिजनेस आइडियाज ला कर देते हैं। नाजिम ने लाहौर में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाया है जो कि टोटली फ्री है। इसके अलावा 2010 में आने वाले सैलाब के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई सैलाब जदगान के फंड में दे दी थी। नंबर 9, जहांगीर सिद्दीक, नेटवर्थ $330 मिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 9 पर जहांगीर सिद्दीक आते हैं। उन्होंने 1971 में जहांगीर सिद्दीक एंड को लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की जो कि आगे चलकर JS ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई। आज JS ग्रुप में JS फाइनेंशियल, JS इंडस्ट्रियल, JS इंफोकॉम, JS प्रॉपर्टीज, JS रिसोर्सेज एंड JS ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। जहांगीर सिद्दीक बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं और इसी वजह से ज्यादा खबरों में नहीं आते। पाकिस्तान में मौजूद JS बैंक भी इन्हीं की मलकियत है और इसी की वजह से वो मशहूर हैं। नंबर 8, अशर अजीज, नेटवर्थ $370 मिलियन। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद सिलिकॉन वैली दुनिया भर में मशहूर है। ये पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का गढ़ है। कराची में पैदा होने वाले अशर अजीज को वालदैन ने पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, जहां दुनिया की नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी MIT में उन्होंने टॉप किया। इसके बाद 12 साल तक वो दुनिया की मशहूर कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स में नौकरी करते रहे। 2004 में उन्होंने अपने घर के बेडरूम में बैठ के एक सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया। इंटरनेट सिक्योरिटी का ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को बाहर के अटैक से और हैक होने से बचाता था। फायर आई के नाम से ये सॉफ्टवेयर आगे जाके दुनिया का नंबर 1 इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बना। फायर आई 2013 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी आ गया। इसके शेयर सारी दुनिया में इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीदे। 2004 में महज $4,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले इस सॉफ्टवेयर ने अशर अजीज को $1 बिलियन का मालिक बना दिया। नंबर 7, रफीक रंगून वाला, नेटवर्थ $400 मिलियन। पाकिस्तान में रफीक रंगून वाला जैसे अमीर लोग भी मौजूद हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि रफीक रंगून वाला पाकिस्तान में मौजूद तमाम KFCs के मालिक हैं। रफीक साहब कोपूला ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मौजूद एक KFC में छोटी सी नौकरी से किया था। आज ये पाकिस्तान में मौजूद KFC ब्रांड के मालिक हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रोजन फूड्स में भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नंबर 6, मियां मोहम्मद लतीफ, नेटवर्थ $750 मिलियन। पाकिस्तान के अमीर तरीन खुफिया अफराद की लिस्ट पर नंबर 6 पर मियां मोहम्मद लतीफ आते हैं। ये 1952 में टोबा टेक सिंह की एक अराइन फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद का कॉटन का बिजनेस था। मियां लतीफ फैसलाबाद पढ़ने के घर से आए और उन्होंने अपने वालिद के बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाने की ठान ली। आज ये चनाब ग्रुप के मालिक हैं और पाकिस्तान में जूतों के मशहूर ब्रांड चैनवन के भी मालिक हैं। इनके बनाए हुए बिजनेसेस में आजकल लगभग 12,000 के करीब पाकिस्तानी नौकरी कर रहे हैं। इनके असाथे $700 मिलियन के लगभग हैं, लेकिन ये कभी भी दूसरे अमीर अफराद की तरह शोखियां मारते हुए नजर नहीं आते। 2004 में इन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। नंबर 5, सुल्तान अली लखानी, नेटवर्थ $1.3 बिलियन। दोस्तों, आपने शायद सुल्तान अली लखानी का नाम ना सुना हो, मगर आपने पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान, एक्सप्रेस न्यूज और मैकडोनल्ड्स का नाम जरूर सुना होगा। सुल्तान अली लखानी को पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। किस्मत की देवी इन पर हमेशा से ही मेहरबान रही है। उन्होंने जिस बिजनेस में भी हाथ डाला, इसको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा के दम लिया। आपको ये जानकर करंट लगेगा कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम पिज़्ज़ा हट ब्रांचेस और तमाम मैकडोनल्ड का मालिक एक ही आदमी है। अगर ये बात आपने पहली बार सुनी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। उन्होंने 1954 में लक्षण ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद रखी। आज लक्षण ग्रुप में 50 से ज्यादा बिजनेसेस आते हैं। नंबर 4, रफीक हबीब, नेटवर्थ $3.2 बिलियन। हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर रफीक हबीब आते हैं। ये हाउस ऑफ हबीब के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान की शायद सबसे पुरानी कंपनी है जिसकी बुनियाद 1841 में रखी गई थी। रफीक हबीब हबीब बैंक के भी मालिक हैं और इसके अलावा हबीब कुकिंग ऑयल और पाकिस्तान में मौजूद टोयोटा कंपनी के 46% शेयर के भी मालिक हैं। इनका हबीब बैंक पाकिस्तान बनने से पहले भारत में मौजूद था और पाकिस्तान को मौसी तौर पर मजबूत करने के लिए कायदे आजम की रिक्वेस्ट पर ये खानदान अपना बैंक और अपने असासे पाकिस्तान लाया। बनाने के टाइम पर इन्होंने कायदे आजम को एक खाली यानी कि ब्लैंक चेक दिया था और कहा था कि इस वक्त मुल्क शुरू करने के लिए आपको जितने पैसों की भी जरूरत है आप ले लें, मगर पाकिस्तान जरूर बनना चाहिए। आज इनका खानदान पाकिस्तान में 40 से ज्यादा मुख्तलिफ बिजनेसेस का मालिक है। नंबर 3, मोहम्मद जहूर, नेटवर्थ $5 बिलियन। यूक्रेन में रहने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद जहूर हमारी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर आते हैं। इनकी पैदाइश कराची में हुई और 1976
1996 में ये एक स्कॉलरशिप लेकर यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने चले गए। बाद में इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी की। 1987 में ये रूस चले गए और यहाँ पे एक थाईलैंड के बिजनेसमैन के साथ मिलकर लोहे का बिजनेस शुरू किया। 1996 में इन्होंने वापस यूक्रेन आकर अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाकर डोनसेक स्टील मिल खरीद ली। 2008 तक ये स्टील मिल बहुत जबरदस्त चल रही थी। इन्होंने रूस के एक खरबपति वदीम को ये स्टील मिल $1 बिलियन की बेची। आज रूस में इन्हें इन्वेस्टमेंट का गुरु कहा जाता है। 2003 में इन्होंने रूस की मशहूर सिंगर कमालिया के साथ शादी की, जिससे इनकी दो बेटियां भी हैं। नंबर 2, सैयद बाबर अली, नेटवर्थ $5.5 बिलियन। दोस्तों, कुछ लोग मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ लोगों को खुदा ने इतना खुशकिस्मत बनाया होता है कि मट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाए। सैयद बाबर अली इसकी बेहतरीन मिसाल है। 1926 में सैयद बाबर अली लाहौर की एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के वक्त इनके वालिद के 5 मुख्तलिफ बिजनेसेस थे। 1976 में इनकी फैमिली की 6 मुख्तलिफ कंपनियां थी। अमीर लोग सबकी नजर में आ जाते हैं और इनका पंगा पड़ गया जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, जो इस वक्त पावर में था। इसने 6 में से इनकी 5 कंपनियां बंद करवा दी। एक कंपनी सिर्फ बची, जो कि थी पैकेजेस। इसके बाद इन्होंने दिलो जान से पैकेजेस कंपनी पर मेहनत शुरू की। आज सैयद बाबर अली पैकेजेस फैक्ट्री, पैकेजेस मॉल, लम्स यूनिवर्सिटी, सीमेंस पाकिस्तान और इसके अलावा नेस्ले पाकिस्तान के भी मालिक हैं। इस सबसे बढ़कर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पूरे पाकिस्तान में कोका कोला की फ्रेंचाइज के मालिक भी यही हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान का कोका कोला का बिजनेस इन्हीं के पास है। नंबर 1, किंग LV1, नेटवर्थ $12 to $20 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसने सारी दुनिया से अपने आप को छुपा के रखा है। लेकिन जब आप पाकिस्तानी हो और दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी के मालिक हो, तो दुनिया की नजरों से छुपना नामुमकिन हो जाता है। किंग एलवी के नाम से मशहूर लाहौर के इस नौजवान के बारे में सिर्फ ये मालूम है कि इसके वालिद का और इसका बिजनेस अमेरिका में है और इनका बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन पाकिस्तानी शाहिद खान है। किंग एलवी नामी इस नौजवान की हर कार 30 करोड़ से 1 अरब मालियत की होती है। ये अपने वालदैन की अकलौती औलाद है और इसके वालदैन बहुत सादा हैं। इनके बारे में अमेरिका में ये मशहूर है कि जिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाने का बजट अमेरिकी गवर्नमेंट के पास ना हो, तो वहाँ पर ये लोग अपना पैसा लगाते हैं और अमेरिकी गवर्नमेंट हर वक्त इनकी मकरूज होती है। ये लड़का शायद दुनिया का वाहिद इंसान होगा कि जिसने जो स्पोर्ट्स कार चाहिए इसको मिली है। इसके पास कौन सा लदीन का चिराग है ये तो हमें नहीं पता, मगर ये पता है कि अमेरिका में एक एयरपोर्ट $20 बिलियन का बना और इसका सारा खर्चा इसकी फैमिली ने किया था। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इसके साथ तस्वीर खिंचवाना बाइसे फखर समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना पैसा होने के साथ इसकी जिंदगी में सुकून भी होगा। दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टॉक शॉक का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।